जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अनअकैडमी के बारे में बता दें आपके लिए कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर फ्री प्लान, जिसमें एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आपके पास सुनहरा मौका है और इसमें आपकी 500 से भी ज्यादा फ्री लाइव क्लास आपकी यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आपके 20,000 क्वेश्चन क्विज है, जो आप प्रैक्टिस टेस्ट है जो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। फ्री प्लान में आपके लिए उपलब्ध है। इन सभी फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको डाउनलोड करना है एमपी, आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी ऐप और इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है गोयल एमपीपीएससी व्यापम और आपके लिए रेफरल कोड के रूप में यूज करना है सुमित जैन। सुमित जैन रेफरल कोड यूज करेंगे तो ये फ्री प्लान का फायदा ले सकेंगी। क्या आप एमपीपीएससी 2020 क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएट करने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पर एक चैंपियनशिप बैच आया है जिसमें आपको, ये चैंपियनशिप बैच है जिसमें यहाँ पर हम आपके लिए बता दें कि अभी इसको आप एनरोल कीजिए। चैंपियनशिप बैच में आपको यहाँ पर थर्ड, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन विनर जो रहते हैं उनके लिए एक महीने का अनअकैडमी के द्वारा फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपके लिए दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अनअकैडमी के जो बैच है वह कौन कौन से बैच है यहाँ पर। तो हम आपके लिए बता दें कि अनअकैडमी का जो यहाँ पर एमपीपीएससी प्री क्लियर करने का रामबाण कोर्स है आपका 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, तो अभी ज्वाइन कर लें। 60 दिन का एक क्रैश कोर्स है जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का सुनहरा मौका है एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए। और यहाँ पर प्री क्लियर करने के लिए बेहतरीन कोर्स स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पर 14 जनवरी से, तो अभी ज्वाइन करें। टारगेट एमपीपीएससी प्री कोर्स है, इसमें आपके लिए डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, लाइव एमसीक्यू एवरीडे है और आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट है और यहाँ पर आपको टारगेट है एमपीपीएससी प्री 60 दिन का रिवीजन कोर्स है आपका है जो 14 जनवरी से आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है। और यहाँ पर क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो अभी ज्वाइन करें। आप मंथ फाउंडेशन बैच जिसमें आपकी प्री मेंस सिलेबस कवर किया जाता है और एमपी के टॉप एजुकेटर है, इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलती है और वीकली मेगा क्विज भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका 19 जनवरी से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है तो वहां से आप इनको ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि सिंहस्थ कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे आयोजित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुंभ का मेला होता है किस नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, चंबल नदी, छिप्रा नदी, तवा नदी या आपका ताप्ती नदी। तो इसका जो सही आंसर है, आंसर अगर आपसे बनता है तो आपके लिए कमेंट में आंसर लिखते जाना है और इसका सही आंसर है आपका छिप्रा। छिप्रा यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 यहाँ पर राइट आंसर है। और जो उज्जैन है, उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है। जो उज्जैन है यह जो है छिप्रा नदी के किनारे बसा है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि देखिए मैथ घोघरा का मेला जो है कितने दिन चलता है, जिसको मठ घोघरा भी बोलते हैं, मैथ घोघरा का मेला कितने दिन चलता है यह आपके लिए बताना है। 15 दिन, 13 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है यह। और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वह आपका क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 1 यानी कि 15 दिन। 15 दिन मठ घोघरा का जो मेला लगता है यह 15 दिन तक चलता है, याद रखना है। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पचमणी निम्न में से कौन से पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार यह एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन कि जो पचमणी है निम्न पर्वत में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, विंध्य में या अरावली में, सतपुड़ा में या मालवा में। तो इस प्रकार ये आपके जो है 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और पचमणी जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका 3 यानी कि सतपुड़ा। सतपुड़ा आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही, सतपुड़ा जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि नरेश
कृष्णा कर्मकार एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। तो क्या थे यह आपके लिए बताना है, यह खालिस्तान थे तो कसरत कोच थे, या पुरातात्विज्ञ थे, या धनुराशि थे, या गणितज्ञ थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्या थे, गणितज्ञ थे। कौन, डॉक्टर कृष्ण कर्मकार एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि कान्हा को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा किस लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, 1973 में, 1965 में, 1968 में, 1972 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि 1973 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी बताना है कौन से वर्ष में हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, विकल्प नंबर है आपका यहाँ पर क्या है, विकल्प नंबर 4 यानी कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन, लॉन्जी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉन्जी का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, कटनी में, नीमच में, बालाघाट में, या मंदसौर में। 4 विकल्प हैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 7, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बालाघाट। बालाघाट यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 राइट आंसर है, बालाघाट जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी। तो जो भोपाल है यह मध्य प्रदेश की राजधानी है और क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी यह बताना है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर, 1956 यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है, 1956 आपका सही आंसर यहां पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम कालिदास समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बताना है, कालिदास समारोह जो है मध्य प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है, इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, या आपका उज्जैन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 4 यानी कि उज्जैन। उज्जैन आपका यहाँ पर सही आंसर है, उज्जैन जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जगह पर स्थित है, जबलपुर में, या आपका इंदौर में, या भोपाल में, या उज्जैन में। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर भोपाल यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। तो कौन है यह आपके लिए बताना है, पहले व्यक्ति है क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कि माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वह कौन है। तो वह हैं कौन है, रत्नेश पांडे यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे नहीं पूछा है तो नहीं है, तो कौन सी नहीं है, कोरकू, ब्रजभाषा, गौड़ी, या आपका मैथिली। तो आपका सही आंसर होगा मैथिली यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका राइट आंसर है। जो मैथिली है यह मध्य प्रदेश की मूल भाषा नहीं है, विकल्प नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या है कि मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद सन 2000 में निम्न में से किस राज्य का गठन हुआ था। राज्य बताना है, वह राज्य कौन सा है जिसका गठन हुआ था, कब हुआ था, सन 2000 में। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर सही आंसर है,
विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का कौन सा चरण हाल ही में शुरू किया गया है? तो देखिए, ये 2017 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो आपका जो सही आंसर है, तब का जो आंसर था वह था प्रथम, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, रीवाकुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है? रीवाकुंड, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है। चार विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, चंदेरी का, खजुराहो का, ओरछा का या मांडू का। तो रीवाकुंड कहाँ का पर्यटन स्थल है यह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है मांडू। मांडू यानी कि विकल्प नंबर आपका चार यहाँ पर राइट आंसर है। मांडू राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि शहर स्लीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन के नाम पर स्लीमन से अपना नाम लिया है, वह निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? तो कौन से दमन के लिए जाने जाते हैं यह बताना है। तो ठगी गतिविधियों आपका विकल्प नंबर चार राइट आंसर है। ठगी गतिविधियों आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पेंच बाघ रिजर्व किस जो है किस नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है पेंच बाघ जो रिजर्व है, इसका जो नाम है किसके नाम पर रखा गया है? पौराणिक राजा, पर्वत, परमेश्वर या नदी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर चार, यानी कि नदी। नदी आपका यहां पर सही आंसर है, विकल्प नंबर चार जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर यहां पर है। मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपके लिए बताना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? तो आगर मालवा आपका विकल्प नंबर तीन यहां पर राइट आंसर है, आगर मालवा। अगला क्वेश्चन है, क्या है राइट आंसर, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 19, और 19 का सही आंसर बताना है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर चार, यानी कि दूधराज। दूधराज आपका सही आंसर है, मध्य प्रदेश का है राजकीय पक्षी है दूधराज। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश एवं खालिस्तान राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, चार विकल्प हैं और क्वेश्चन नंबर 20 है, और आपका सही आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि विकल्प नंबर आपका चार यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्या आप ऑलरेडी रिविजन कर रहे हैं MPPSC प्री के लिए? तो यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए बैच कोर्स, जिसमें आपको संपूर्ण ज्ञान बैच कोर्स है, संकल्प बैच कोर्स है। तो आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें और यहाँ पर आपके लिए जो संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच कोर्स है आपका, इसमें आपको 270 से भी जो है ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे आपको। और यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर हैं, 28 दिसंबर से है आपका रिवीजन कोर्स जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पर संकल्प MPPSC प्री 2020 के लिए है, जिसमें आपके यहाँ पर ऑल डाउट क्लियर किए जाएंगे और MP के टॉप एजुकेटर इसमें भी शामिल हैं। और यहाँ पर आपको अगर आपने जो है अपने सपनों को साकार करें और अनअकैडमी के साथ आप अपनी मेंस की तैयारी करें कंप्लीट, यहां पर आपको MPPSC मेंस से प्रिपरेशन विद आंसर राइटिंग के साथ 35 दिन का आपका कोर्स है, जिसमें आपको मेंस की जो है पूरी तैयारी करवाई जाएगी। स्वप्न पूर्ति बैच कोर्स है, जिसमें आपको इसमें लाइव क्लास मिलेंगी और PDF नोट्स मिलेंगे, वीकली क्विज, मेगा क्विज है और आंसर राइटिंग सीरीज भी उपलब्ध है आपके लिए यहाँ पर 35 दिन का कोर्स है। और अगर यहाँ पर अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, MPPSC व्यापम सिलेक्ट करना है, इसके बाद आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लस पर क्लिक करना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पर आपके लिए क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये जो है अनअकैडमी का कोर्स आ जाएगा, ये जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। किस प्रकार मिलेगा यह डिस्काउंट, जब आप सुमित जैन रेफरल कोड यूज करेंगे तब आपके लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपके लिए याद रखना है, सुमित जैन रेफरल कोड यूज करें और 10% डिस्काउंट यहां पर आप जो है कोई सा भी आप कोर्स खरीदेंगे तो 10% डिस्काउंट यहां पर आपके लिए मिलेगा। तो देर किस बात की है, आज ही आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लें, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें आपको MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी परीक्षा हो उसकी तैयारी आप अपनी जो है मजबूत तरीके से यहां से अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं।
तो इस प्रकार अपने यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।